हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यूएसए के अंदर लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। जिन जिन सिटीज़ में ज़्यादा केसेस नहीं थे वहाँ पे लॉकडाउन को खोल दिया है, जैसे कि पार्लर हो गए या फिर एम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, उनको ओपन कर दिया। उनमें से एक सिटी मेरी है, यहाँ पर भी सब कुछ खोल दिया है। तो ऐसे ही बस मन था कि थोड़ा सा बाहर वॉक कर लूँ, काफ़ी दिन हो गए थे घर के अंदर बैठे बैठे। और जब वॉक करने का सोचा तो सोचा कि आप लोगों से भी थोड़ी बहुत बातें कर लूँ, आपको भी दिखा दूँ कि यहाँ पे बाहर कितनी चहल पहल है, लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, और आप लोगों के स्टेट में लॉकडाउन खुला है कि नहीं, और वहाँ पे क्या रिलैक्सेशंस हैं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और लॉकडाउन खुलने से क्या आपको सुविधा मिली है और कैसे अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है, वो भी बताना, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। गाइस, ये है मेरे सोसाइटी के बाहर निकलते ही जो मेन रोड है, और मेरे सोसाइटी से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जो है कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ अमेरिका। ये टल्सा का बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स में से एक है, और ये है मेरे बाहर का एरिया जो कि काफ़ी खुला एरिया है। और इस रोड के दूसरी तरफ काफ़ी खुला बड़ा मैदान है जहाँ पे यूजुअली हम कोरोना वायरस आने से पहले शाम को यहाँ आया करते थे, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेल लेते थे, डिस्क खेल लेते थे, फुटबॉल खेल लेते थे, पर अब काफ़ी टाइम से घर में बंद थे। और जब ये मैदान के उस तरफ थोड़ा और आगे जाके एक ट्रेल है जहाँ पे लोग साइकिलिंग के लिए आते हैं, रनिंग के लिए आते हैं, स्केटिंग के लिए आते हैं, अब तो लोग वहाँ पे नहीं आते हैं क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऐसी है। पर हाँ, आज मैं वहाँ जाके देखूंगी कि लोग हैं कि नहीं, और आपको भी साथ लेके जाऊंगी देखने के लिए। तो चलो वहाँ पे चलते हैं। गाइस, ये तो आपने सुना ही होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, पर परछाई में मेरी टांगे बहुत लंबी है। तो हम पहुँच गए उस बड़े मैदान के पास जिसकी मैं बात कर रही थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ के बारे में, वो ये है कि जिसको देख के मैं खुद बहुत सरप्राइज्ड हुई थी। यूएसए में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पार्क में चले जाओ, किसी भी हाईवे पे चले जाओ, हर जगह आपको घास कटी हुई ही मिलेगी, विच इज़ रियली कूल गाइस। ऑल्सो गाइस, आज यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा है, पर एक चीज़ जो यहाँ की बहुत स्ट्रेंज है वो ये है, यहाँ पे वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। रात को आप सोओगे, गर्मी है, पूरा दिन अच्छी धूप थी, रात को बारिश आई, सुबह उठोगे तो 0 डिग्री टेम्परेचर मिलता है। और दोस्तों, ये है मेरे घर के पास एक प्राइवेट कॉलेज जो जिसका नाम है TCC, टल्सा कम्युनिटी कॉलेज। अभी तो लॉकडाउन के चलते कॉलेज बंद है, बट हाँ, लॉकडाउन खुलते ही मैं इस कॉलेज के अंदर जाके भी एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी कि US में कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहता है, वहाँ का माहौल कैसा रहता है, स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कॉलेजेस में। गाइस, सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है, और वहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, एविड होटल है मेरे सोसाइटी के बिल्कुल बाहर, और ये सारी मेरी सोसाइटी है। अभी आपको बहुत छोटी छोटी दिख रही होगी, मैं थोड़ी जूम करके आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये मेरी सोसाइटी है। पास में ही ये एक TTCU की बिल्डिंग है जो कि क्रेडिट यूनियन है, और हाँ, ये है बाकी के बाहर का माहौल, और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेले हैं। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो।